तो मेरी आपसे इस बात के 2 लाख रुपए पागल हो क्या? क्या उस बच्चे को क्या कह रहे हो सर? इधर बंदे भीख मांगते आने के लिए, मैं आपको लेके भी आ गया, फिर आप ऐसे हरकतें कर रहे हो। तो मैं आपसे कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, भीख मांगते होंगे आपके पास बहुत, पर मैं नहीं मांग रही हूँ। इधर ऐसी मैं ऐसी चीजें सुनने नहीं आया। मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए आपको, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो उनको समझा लीजिए पहले, आप अगर इतने फेमस होंगे मैं आपको इतने से ऊपर तक पहुँचा दूंगा। हाँ जी, बहुत जल्दी तक खुद पहुँचो पहले। हाँ जी मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ आपसे। और फिर बेस से अगर धक्का मार के बाहर निकलेगा अच्छा रहेगा क्या? मार के दिखाए धक्का, प्लीज जाइए। बच्चे से ना शक्ल ना सूरत कुछ है ही नहीं है? फालतू में आ गए, क्या कर रहे हो? क्या उनमें ना शक्ल है ना सूरत है? फालतू में लेके आ गए इनको। वैसे मत हो सर, बीवी है मैं, वैसे मत हो। आपको पता कितना बड़ा हूं मैं, कितनी मूवीज की आपको बता भी चुका हूं, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं आ रही आप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। और मेरे दोस्त के बेटे साहब आज बहुत तगड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आज ये बने हैं सेठ जी, और ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। कई बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर, क्रिश, दबंग के अंदर हाई लेवल के गाने कर चुके हैं सेठ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। यही प्रैंक है। बीवी को पिछले 3 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं एक हाई लेवल के डायरेक्टर से मीटिंग करने वाला हूँ दीपिका। 2 लाख रुपये एडवांस देने हैं, 3 लाख बाद में देने हैं, उसके बाद डायरेक्टर साहब मेरा गाना लॉन्च करेंगे हाई प्रोफाइल। है सर ये पक्का है ना? क्या आज तो सुपर तहलका मचेगा। हाँ, दीपिका को 3 दिन से मैं कान भर रहा हूँ, सबको आग लग जाएगी आग। ये दोस्त का ऑफिस है, उन्हीं के बेटे हैं ये। दीपिका को लोकेशन एड्रेस सब भेज चुका हूँ, आधे घंटे मैडम आने वाली है। मैडम मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है कि कितना बड़ा डायरेक्टर होगा जो कि है छोटा सा, कितना बड़ा नाम होगा जो कि है छोटा सा। नाम तो रियल कुछ हो रहा है, रियल नाम बताना। रायन वर्मा। लेकिन नाम आज खैर सेठ जी, तुमने ना ऐसी एक्टिंग करनी है कि मतलब तहलका सा मचा बढ़िया। आज तो बड़ा तहलका मचेगा, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना, वीडियो को दबा के शेयर मारना और छोटे की एक्टिंग देखना। जो आपके परिवार में बच्चे हैं ना, उनको भी ट्रेंड करना ऐसे जैसा छोटा ट्रेंड है। वीडियो देखोगे ना, जब इसकी एक्टिंग देखोगे कहोगे सन्नी भाई क्या तहलका मचाया है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ ठीक है, सही है। हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर, मैं ज़रूरी मीटिंग में था एक्चुअली, वाइफ को मैंने किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। हाँ हाँ सर, मतलब 15-20 मिनट दो, मैं करता हूँ सर। एक डायरेक्टर साहब का बैठा हूँ मैं, गाने मेरी लाइफ का एक सवाल। हाँ सर, मेरी नहीं नहीं सर, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की शुरुआत होने वाली। जी सर, मैं हाँ 20 मिनट में करता हूँ। जी ठीक है सर। बढ़िया, ये मेरी वाइफ है। हाँ जी, नमस्ते। ये बढ़िया, ये मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन पहले मतलब मेरी वो एक डायरेक्टर से मीटिंग होने वाली है, और बहुत हाई प्रोफाइल मूवीज़ के अंदर बड़े बड़े गाने कर चुके हैं। तो इनके मतलब ये इनके पापा नहीं है, ये खुद हैं, और मतलब कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमा रखा, कई अरबों की संपत्ति है इनकी, और अपना मतलब बहुत बड़ा मतलब खेल कर रखा है इन्होंने बॉलीवुड के अंदर अपना, बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है इनकी। और मीटिंग 4-5 दिन बाद की रखी थी मैंने, आज कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के मीटिंग करवाई है इनसे आज, तभी मैं तरह से रिक्वेस्ट करी जल्दी आ जाए यहाँ पर। तो बच्चा है, तो बच्चा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज? हाँ जी। इसमें माइंड योर लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? तमीज रख लीजिए जी। मैं बेइज्जती मत करा कुड़ियर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इमेज का सवाल है। मैंने उसको बच्चा बोल दिया तो मेरे को माइंड योर लैंग्वेज बोल रहा है। बच्चा इतना बोला तो है मैंने, बच्चा नहीं है वो। क्रिश 3, क्रिश 2, दबंग, ये गाना आपका गाना बहुत छोटी चीज़ है। वो मतलब काफ़ी मूवीज़ के अंदर कई सारे डायरेक्शन के काम देख चुके हैं, हर एक चीज़ को मतलब लाइक मूवी के अंदर ये देखना वो देखना। मैं तो इनसे गाना करवा रहा हूँ बस, बड़े हाई प्रोफाइल कह रहे हैं कि रातों रात स्टार बना दूंगा। रातों रात नहीं कराना मुझे, नहीं कराना। मैं पैसे वैसे लेकर आऊँ क्या? नहीं कराना, जरूरत नहीं, बच्चा है वो, उसको क्या करना आएगा।
प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज इनको चुप करा लीजिए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? आप ऐसे बोली जा रही है मेरे को। कैसे बोल रही हूँ आपको? बच्चा है वो, ऐसी बात बनाई जा रही हो बिना मतलब के। मैं कसम खाऊं क्या? कसम खाऊं मैं? हाँ क्या? क्या क्या क्या? मैं कह रहा हूँ मेरी इंसल्ट करा रही है। इतना बड़ा नाम है, मिलने के लिए टाइम लिया मैंने। क्या नाम है आपका? सेठ जी करके बुलाते हैं मुंबई मेरे को। सेठ जी? हाँ। पिद्दू सा? पूरी मुंबई जानती है मेरे को। अच्छा। हाँ जी। आप भाऊ हो वहाँ के? हाँ भाऊ हो वहाँ के? हाँ। मत कर गुड़िया, मैं तेरे को कसम दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट है, मेरी इज्जत रख ले। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था सर आपसे, जैसे ये 2 लाख रुपए आपको भी दे रहा हूँ मैं। हाँ जी। 3 लाख आपको, जैसे हमारा काम शुरू हो जाएगा तब कर लेंगे। तो मेरी आपसे इस बात के 2 लाख रुपए? पागल हो क्या? क्या उस बच्चे को? अरे तू गुड़िया मेरी इमेज की करने लगी है यार, वो क्या बच्चा कर रहा है? बच्चे को किस बात के 2 लाख रुपए? बहुत ड्रामा हो गया, बाकी ड्रामा करना है घर जाके करो, इधर नहीं करो। मैंने आपको डील के लिए बुलाया, डील करने के लिए बुलाया है। अब फालतू के काम सुनने नहीं आया ना तो देखने आया हूँ। पहले आपको इतने मैनर्स नहीं है कि आप अपने बड़े से कैसे बात करते हैं? बड़ा क्या तेरे? अब बार बार मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने आपको? बच्चा बोला तो प्रॉब्लम है? मैं कुछ कह रहा हूँ तो कसम दिया मैंने, कसम दिया रुक जा, मत बोल बार बार। पैसे वैसे तो रात रात कर मारे तेरे पति को, इतना सिस्टम है इनका, पास कर रही है यहाँ पर। देखा सर, 3 लाख बाद में देख लेंगे। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट थी उससे पहले आपसे। हाँ जी। जैसे मैं चाह रहा था, मैं जो मेरा गाना कर रहे हो आप, तो वाइफ को मैं चाह रहा था वाइफ मेरे साथ गाने में काम करे एक बार, पॉसिबल है? हाँ जी, प्लीज खड़े होइए। खड़े हो जाओ मैडम एक बार। ये हाइट देखनी है, हेयर देखने हैं। हिट करने के लिए मेरा हस्बैंड आप ले ले हो, उसमें आपने कुछ देखा? हाँ जी देख लिया था पहले। उसमें क्या है? अरे गुड़िया बहस मत कर, उसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या मिला आपको? और प्लीज खड़े होइए या इनको लेके जाइए, मैं इधर फालतू की चीजें नहीं करने आया। नहीं सुना तो मत सुनो। आप हद करवा रहे। अरे कर ले भाई, इस बात के लिए बाल खोलो, इसमें बाल देख के क्या करोगे? हर चीज देखनी होती है ओवरऑल। आपको तमीज नहीं है देखना? नहीं हो पाएगा। मतलब एक बाल से किसी को आप रिजेक्ट कर सकते हो? वो सच में बच्चा है वो, तो बिग नहीं मिलती क्या? मैं सब कुछ देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? अब एटीट्यूड करेंगे गाने में तो ऐसे कुछ हिट आएगा? एटीट्यूड करेंगे इसमें, आपको मेरा एटीट्यूड दिख गया? बदतमीजी कर रही तो सही है तू, और कर क्या रही मेरी इमेज गिरा रही है? मतलब वो बच्चा है, वो मुझसे सवाल कर रहा है। चार बार बार बच्चे मत बोला करो, गुस्सा आता है। तो बच्चे को इनको प्लीज संभाल लीजिए, इनको प्लीज संभाल लीजिए। कुछ कह रहे हैं, उनकी बात काट रहे हैं, ओवरलैप करके बातें काट रहे हैं उनकी। सर की क्या कह रहे हो सर? इधर बंदे भीख मांगते आने के लिए, मैं आपको लेके भी आ गया, फिर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो मैं आपसे कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, भीख मांगते होंगे आपके पास बहुत, पर मैं नहीं मांग रही हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मेरी वाइफ आ रही है, हमने कहा था तो मुझे नहीं करना। प्लीज इनको लेके चली जाइए प्लीज, इधर ऐसी मैं ऐसी चीजें सुनने नहीं आया। मैं सॉरी बोलता हूं सर इस चीज के लिए आपको, मैं सॉरी बोलता हूं। तो उनको समझा लीजिए पहले। वो क्या समझाएंगे मुझे? अब बच्चे से बात करवा रहे हो, बच्चे तो फिर आप जाइए प्लीज, आपको नहीं सुनना तो। प्लीज जाइए आप इधर से। इन्फॉर्मेशन, मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। अच्छा तो कैसे फेमस ही जी? हमारी वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी, अगर आप हमें नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इतने फेमस होंगे मैं आपको इतने से ऊपर तक पहुँचा दूंगा। ओ हाँ जी, आ, बहुत जल्दी तक खुद पहुँचो पहले। हाँ जी मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ऊपर हूँ आपसे। फिर बेचते अगर धक्का मार के बाहर निकलेगा अच्छा रहेगा क्या? मार के दिखाए धक्का। प्लीज जाइए। ये बेइज्जती करवाने बुलाते हो क्या आप? तेरे को तो प्लीज जाइए प्लीज। गूगल पे नाम डाल ले सेठ जी, फिर तो पता लग जाएगा। इधर आ मेरी बात सुन बढ़िया। मैं काम करूं यहां से। अरे सेठ जी हां छोड़ो, मेरी बात सुनिए, बैठ एक बार बैठ। देखो कुछ भी बोल रहा है, बच्चा है वो, बेइज्जती कर रहा है मेरी, आपको नेट पे नाम डाल ले सेठ जी, पता लग जाएगा कौन है। सेठ जी मेरे को क्या लेना किसी से, बच्चा है वो। हां छोड़ो, बच्चे से ना शक्ल ना सूरत कुछ है ही नहीं। हैं फालतू में आ गए क्या कर रहे हो? क्या उनमें ना शक्ल है ना सूरत है,
फालतू में लेके आ गए इनको। पैसे मत दो सर, बीवी है, मैं पैसे सामने आप बेइज्जती कर रहे हो। बार बार ऐसे बोली जा रही है, हमें गुस्सा नहीं आएगा कि आपकी हाइट कितनी, आप क्या कर रहे हो। शक्ल ना सूरत है, आप अपना काम करो, यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया आपने मुझे? बच्चे से को बिठा दिया उससे, प्लीज लेके जाइए इनको, मैं नहीं सह सकता। एग्रीमेंट हो गए, सारे काम हो गए, हाथ छोड़ो, तमाशा कर रही है यहाँ पर। हाथ हटाओ। सॉरी सर, मैं सॉरी, डील कैंसिल कर दूंगा पैसे करेंगे तो। मैं नहीं सर, मैं। अरे किस बात की डील यार, क्या नहीं सर, मैं ये क्या कुछ इधर आ बढ़िया सर, 2 लाख रुपए पकड़ो सर, 2 लाख पकड़ो, 2 लाख पकड़ो, 2 लाख पकड़ो। मैं इसकी बदतमीजी से मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं चट्टे मारता हूँ आपको। मेरे पैसे दो इसका ना, ये क्या करा तूने? पैसे वापस लो, मुझे कुछ नहीं करना है, समझ में आई ना? इधर आ जाओ बुढ़िया, इधर आ, कोई बात नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात मत लगाओ। सर आपका क्या विचार है? उनको इनको लेके जाइए, मैं आपकी भी डील कैंसिल कर दूंगा इनके चक्कर में। मेरी डील कैंसिल कर दूंगा इनके चक्कर में? हाँ, आपकी भी कर दूंगा। की बेइज्जती करवा रहे हैं कुछ, ठीक है ना, छोड़ो आप। आप 2 लाख पकड़ो ना सर, मैं 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 2 लाख के मैं 4 लाख की भी चीज कैंसिल कर दूंगा ऐसी हरकतों पे। ऐसी हरकतों पे आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आप देखो, आप ऐसी कह रही है कि छोटी हाइट है, आपको पता कितना बड़ा हूँ मैं, कितनी मूवीज की आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं आ रही आप में। सर ये दोस्त के बेटे मेरे प्रैंक था, ये प्रैंक, ये मेरे दोस्त लग ही रहा था, वो बच्चा सा है, वो डायरेक्टर बना दिया उसको। वाह वाह वाह, ये दोस्त के बेटे मेरे। वो मुझे कह रहा था शकल ना सूरत तहल का बताता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, बोल तो सही है, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तेलका मचाता है ये, तेलका मचाए।